नमस्कार दोस्तों, मौसम विभाग समाचार के दौरान दिल्ली में यमुना का कहर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी तस्वीरें और फोटोज दिखाने वाले हैं जिनकी वजह से आपका यहां पर दिमाग हिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में चार दिन से यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और सुबह यमुना नदी का जल स्तर 208.40 मीटर पहुँच गया है और यह खतरे के निशान से 205 मीटर यानी कि 3.4 मीटर ज़्यादा है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर सड़क पर पानी भर गया है और बाढ़ का पानी यमुना बजाज, लाल किले, राजघाट, ISBT कश्मीर गेट तक पहुंच गया है, जो कि 3-3 फीट तक पानी भरा हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि 16 NDRF की टीमों को लगाया गया है, 2700 राहत शिविर लगाए गए हैं और यमुना के आसपास लगभग 70-80 हज़ार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। इसी बीच PM मोदी ने भी फ्रांस से अमित शाह के फोन कर दिल्ली के बाढ़ के हालात के जायजे लिए हैं और शाह ने PM को बताया कि अगले 24 घंटे में यमुना का वाटर लेवल कम हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखा देते हैं लाल किले की तस्वीरें और आप देख सकते हैं दिल्ली के लाल किले में आज सुबह सुबह का ये आपको वीडियो देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली में यमुना बजाज इलाके में गाड़ियां, सामान पूरी तरह से डूब चुका है और ये वीडियो देख सकते हैं दिल्ली में यमुना नदी का पानी बढ़ते ही RTO रोड पर पूरी तरह से जल भराव हो चुका है। दूसरी ओर देख सकते हैं दिल्ली के यमुना बजाज इलाके में पानी पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं DMRC ने ट्वीट कर बताया कि एहतियात के तौर पर यमुना नदी पर बने सभी चार मेट्रो पुलों में ट्रेनें 30 किलोमीटर घंटे प्रति रफ्तार से दौड़ रही हैं और यमुना बजाज इलाके में कई इलाके तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से बाढ़ में तब्दील हो गए हैं और आप देख सकते हैं बस और ट्रक पूरी तरह से बाढ़ में डूबे हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए लगभग पूरे देश के 23 से भी ज़्यादा जिलों में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिया है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट को अपनी राय जरूर दें।